जय हिंद दोस्तों। 7 अगस्त से SSB इंटरव्यू का नया कैंप आ रहा है। प्यारे बच्चों, आप सबके मन में क्यूरियोसिटी कि इस कैंप में क्या होता है, क्या क्या करवाया जाता है, बच्चे किन चीजों को एंजॉय करते हैं। मेरे साथ में कनिष्का जो NDA 151 के लिए रिकमेंड हुए हैं। सबसे पहले कनिष्का को शुभकामनाएं। थैंक यू सर। कनिष्का ही आपको बताएगी क्योंकि हमारी स्टूडेंट भी रही है ऑफलाइन की, और उसके बाद में फिर ये कैंप में भी उस दौरान पूरे 6 दिन इसने पूरे प्रोसेस में पार्टिसिपेट किया। कनिष्का, क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे हुआ था, एक बार बच्चों को पूरा बता दे। सर, जब हम शुरू में आए थे तो पूरा जैसा स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, OIR, PPDT, GD वगैरह सब कुछ बिल्कुल वैसा का वैसा हुआ था सर। उसमें बहुत हेल्प करी उसने ये जानने में कि कहीं आप स्क्रीन आउट होने वाली बच्चों में तो नहीं आते हो। फिर सर अगले दिन हमारा साइकोलॉजी भी बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा वहाँ होता है। टाइमिंग भी वही सर, बिल्कुल एक लाइन से सब कुछ चल रहा है, पूरे 3 घंटे लगातार सर अच्छे से। लड़कों का अलग TAT, लड़कियों का अलग TAT, क्योंकि वहां भी अलग अलग आता है। तो सर बिल्कुल वैसा का वैसा साइक हुआ हमारा। फिर सर इंटरव्यू भी हमारे शेड्यूल थे उसके बाद से, तो इंटरव्यू भी सर कैप्टन सर ने बहुत अच्छे से लिए थे जैसे वहां होते हैं सर। मेरा तो यहाँ जो इंटरव्यू हुआ था वैसा ही इंटरव्यू लगभग मेरा वहां भी हुआ, तो बहुत हेल्पफुल इंटरव्यू रहे सबके ही सर। सर ने आखिरी में फीडबैक भी दिया, बताया कि आप इंटरव्यू में कहाँ कम हो। फिर उसके बाद सर हमारा GTO हुआ था, उसके लिए कमांडर सर आए हुए थे, तो उन्होंने सर सारे टास्क भी हमको जैसे वहाँ होते हैं वैसे करवाए। उसको हमको हर टास्क समझाया भी, हमें बताया भी कैसे करते हैं, हम जनरली क्या गलतियाँ करते हैं, हमें क्या नहीं करनी चाहिए। पर्सनल गलतियाँ भी बताई हर बच्चे को कि आप क्या गलती कर रहे हैं और आप कैसे सुधारेंगे। तो सर GTO सर की गाइडेंस ने भी बहुत हेल्प करी। उसके बाद सर हाँ सर कॉन्फ्रेंस भी हुई थी आखिरी दिन। कॉन्फ्रेंस में भी सर सबको बताया था कि क्या चीजें इम्प्रूव करने की जरूरत है किस किस को, तो उसमें तो सर मुझे बोल ही दिया था यहाँ से कि मैं रिकमेंड हो सकती हूँ। अरे वाह, मतलब प्री रिकमेंडेशन ऑलरेडी मिल गया था। यस सर, वाह, बधाई हो। थैंक यू। तो क्या सजेस्ट करेंगे बच्चों को, कैंप करना चाहिए, विल इट बी फ्रूटफुल? डेफिनेटली सर, कैंप बहुत अच्छा है, आपको अपनी तैयारी पता चल जाएगी, आपको अपनी गलतियां पता चल जाएंगी, कैसे इम्प्रूव करना उसका गाइडेंस मिल जाएगा। तो आई थिंक कैंप बहुत यूजफुल है, यदि SSB वाले बच्चे आते हैं तो बहुत मदद मिलेगी उनको सर अपनी तैयारी में। तो ये थे कनिष्का, इन्होंने अपने कैंप के एक्सपीरियंस बताए हैं। अगले वीडियो में कनिष्का की पूरी SSB की जर्नी आने वाली है। अगर आपको कनिष्का की SSB की पूरी जर्नी देखना है तो ये वीडियो कल रिलीज होगा, इस वीडियो को देखना ना भूलें। कनिष्का, आपको एक बार फिर से कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।